Hello friends, we'll learn today about phonetic sound. जैसा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपके लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं. सो चलिए सीखते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. वंस अगेन, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. इस फोनेटिक साउंड के साथ आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Day's name. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Month's name: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. जैसा कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में आपने सुना कि किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में, मतलब जिसमें आर आ रहे थे वो लास्ट में आर नहीं था, लाइक सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. एक्चुअली फ्रेंड्स, जो ऐसे वर्ड्स जिनकी लास्ट में रा का प्रोनाउंसिएशन होता है उसे साइलेंट किया जाता है. मैं फिर बता रहा हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सम मोर वर्ड्स: फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अदर, फिंगर, हेयर, चेयर, लाइक दिस. ऐसे ही प्रैक्टिस. एक्चुअली ये प्रैक्टिस में आपने देखा कि थोड़ा सा डिफरेंट फेस एक्सप्रेशन एंड फेस थोड़ा सा ब्रॉड होता है एंड लाउडनेस है थोड़ा सा. इसके पीछे एक रीजन है. फोनेटिक साउंड इंग्लिश की जो है वो उसकी थोड़ा सा डिफरेंट होने का बहुत बड़ा रीजन है. एक्चुअली जब हम हिंदी बात करते हैं तो हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं वो अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं. और हिंदी के वर्ग जैसे कि आप जानते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ. तो आप इसको बोलकर खुद अनुभव करें कि उनको बोलते वक्त आपके फेस में बहुत ज्यादा ब्रॉडनेस नहीं आएगा और ज्यादा माउथ में लाउडनेस भी नहीं आएगी. लाइक क ख ग घ अंग च छ ज झ, आप देख रहे हैं कि एक ही रिदम पे आप बोल पा रहे हैं. लेकिन जब हम हिंदी के, सॉरी, जब हम इंग्लिश के अल्फाबेट बोलते हैं तो 26 अल्फाबेट कि 26 टेक्निक है, 26 साउंड्स हैं, डिफरेंट साउंड्स हैं, एक जैसे नहीं है. इसी वजह से इंग्लिश के अल्फाबेट्स को बोलने के लिए लाउडनेस की प्लस ब्रॉड फेस की जरूरत होती है. और यही आपको भी लाना होगा. जब अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन आपका सही होने लगेगा तो उसके साथ साथ आपके वर्ड्स भी ऐसे ही बनने लगेंगे. जब वर्ड्स बेहतर बनेंगे तो सेंटेंस बेहतर हो जाएगी इसकी. और ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी होगी. शुरू में आपको काफी टफ जाएगी इसकी प्रैक्टिस, बट ये प्रैक्टिस बहुत ही कंपलसरी है. मैं वंस अगेन मैं बोल रहा हूं, ए